और एक चीज याद रखना भाइयों, क्रूज कंट्रोल सिर्फ स्पीड को कंट्रोल। देखो भाइयों, अगर आपके पास गाड़ी है ना, या फिर आप ड्राइवर हो, या गाड़ी का भी आपको मिलती है चलाने को, तो भाई ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल स्किप मत करना और पूरा वीडियो देखना। ऐसी जानकारी दूंगा जो कि अभी आपको कहीं नहीं मिली होगी। और जिनके पास अभी तक नई गाड़ियां नहीं आई हैं, तो उनको तो ये इसके बारे में मालूम नहीं होगा, और बहुत लोगों को तो मालूम भी होगा, पर लेकिन मेरे को जो जरूरी लगा तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो, जो नई गाड़ी आ रही है ना, तो ये देखो मैनुअल है, और स्टार्ट स्टॉप है जो इसका, वो ऑटोमेटिक जैसा है। अब तो ऑलमोस्ट सभी में यही आ रहा है। तो जिसके लिए मैं देखो वीडियो बना रहा हूँ, गाड़ियों में दो नए फंक्शन आ चुके हैं जो कि बहुत लोगों को नहीं पता कि भाई इसके बारे में क्या करना है। ये देखो, एक ये घड़ी वाला निशान होता है देखो, और ये रीसेट, और ये सेट, और ये कैंसल। तो भाई बहुत लोगों को देखो इनके बारे में नहीं पता होता ये कहाँ वर्क करते हैं, क्या करते हैं। इसको दबाते हैं तो देखो वहाँ पे एक घड़ी के जैसा सिग्नल आ जाता है। इसको दोबारा मतलब क्लिक करेंगे तो आएगा, हटा देंगे तो नहीं आएगा। दूसरा जो ऑप्शन है देखो ये वाला, ठीक है। तो कई लोगों को भाइयों इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता है, और मैं इनके बारे में आपको बताता हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि कहीं से भी स्किप करोगे तो भाई समझ में नहीं आएगा। ये है भाई जो इसका ये वाला फंक्शन है, ये पता है, ये है आपका ट्रैक्शन कंट्रोल, ठीक है। इसमें दो ऑप्शन होते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल और भाई हिल होल्ड कंट्रोल। क्योंकि देखो ये गाड़ी ऑटोमेटिक नहीं है, जैसे कि हिल होल्ड का मतलब है अगर आप पहाड़ी पे चल रहे हो, ठीक है, जैसे कि आप कहीं पहाड़ चढ़ रहे हो, अगर आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक है तो देखो बैक गियर में, अगर आपकी गियर ड्राइव पे चल रहे हो तो बैक गाड़ी आएगी नहीं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है कि यदि हम अगर मैनुअल गाड़ी चला रहे हैं तो बैक गियर मतलब जहाँ खड़े होंगे गियर लगाते हैं तो गाड़ी पहले पीछे आती है। लेकिन हिल होल कंट्रोल अगर हम इसको क्लिक करके दबा के रखते हैं, अगर इसको चालू रखते हैं, तो भाई आपकी गाड़ी बैक में नहीं आएगी। दूसरा जो काम करता है ये ट्रैक्शन कंट्रोल, कि जैसे कि भाई पहाड़ी रास्ता है, बारिश होती है और छोटे छोटे पत्थर होते हैं, तो आपको देखो सिग्नल भी देगा ये डिस्प्ले में, और ये बिल्कुल जम के गाड़ी चलेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसके समय। तो ये दो काम ये करता है, और ऑल वर्क करता है, ये नहीं है कि ऐसे ही है भाई वर्क नहीं करता, तो प्रॉपर वर्क करता है। और दूसरा जो ऑप्शन है देखो ये वाला, तो बहुत लोगों को देखो इसका नहीं पता ये क्या है। किसी में देखो यहाँ होती है ये एक डंडी जैसी, जिसको बोलते थे वो इनोवा क्रिस्टा है ना, तो उसमें यहाँ पे है हाथ को यहाँ पे, और ब्रेजा में भी यहीं पे है हाथ में। तो इसका नाम होता है भाई क्रूज कंट्रोल, ठीक है। क्रूज कंट्रोल का मतलब है कि आप हाईवे पे चल रहे हो और आपने स्पीड लगा दिया भाई, जैसे कि 50, 100, 180 एवरेज निकालने के लिए, कि भाई लंबा रूट है और भाई अपनी गाड़ी चलती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो स्पीड को सेट करना, तो क्रूज कंट्रोल हम इसको बोलते हैं। अगर मैं गाड़ी चलाता हूँ तो इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है, इसको क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे जितनी भी मेरी गाड़ी की कम से कम इसके लिए स्पीड होनी चाहिए भाई 43। मेरे पास ग्रैंड विटारा है, तो ग्रैंड विटारा में 43 इसकी स्पीड होनी चाहिए, तभी आपका क्रूज कंट्रोल चालू होगा। और अलग अलग गाड़ियों में स्पीड अलग अलग हिसाब से तय करी हुई है। अब ये मत सोचो कि भाई ये दबाने के बाद ना आपका क्रूज कंट्रोल लग गया, नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। ये देखो इसके नीचे, इसके साइड में ये है ग्रैंड विटारा में, और जिसमें भी कहीं भी ऑप्शन होगा तो सेट का ऑप्शन जरूर होगा। क्रूज कंट्रोल अगर आपकी गाड़ी 43 से ऊपर है, एक बार आपको ये दबाना है, ये वाला, जैसे कि एक बार इसको दबाने के बाद में, और इसको एक बार डाउन मारना है, ठीक है, ये डाउन सेट, मतलब अब आपका सेट हो गया, जहां भी जितनी भी आपने स्पीड को सेट किया है वो सेट हो जाएगी। और भाई स्पीड बनाना है, आप पैर बिल्कुल अलग रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहीं से आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, ऐसे अप और डाउन अप। और एक चीज याद रखना भाइयों, क्रूज कंट्रोल सिर्फ स्पीड को कंट्रोल करता है, स्टेयरिंग को नहीं करता। स्टेयरिंग को आपको ही संभालना है, और भाई ब्रेक भी आपको ही लगानी है, क्योंकि सिर्फ स्पीड को होल्ड करेगा आपके, ना ही आपको ब्रेक लगा सकता है और ना ही आपके स्टेयरिंग को कंट्रोल कर सकता है। तो इसको भाई ध्यान से यूज करें कहीं भी, और वैसे देखो फ्यूचर है, फंक्शन है, अच्छा है। तो भाई ये ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो कि भाई आपको कई जगह नहीं मालूम होगी, और लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई ये क्या है, क्या करें इसका। और कम स्पीड में भी होती नहीं है भाई ये, कई बार बड़ी गाड़ियों में होती है तो 80 की स्पीड के करीब होगा, और तो कहीं 80 की स्पीड होती है, कहीं 70, कहीं 60, 50। तो भाई ये अपने अपने हिसाब से है, गाड़ियों के हिसाब से। तो ये बहुत अच्छा फंक्शन है लॉन्ग रूट के लिए,
तो इसको आप सेट करके चला सकते हो। तो वैसे तो गाड़ियों में भाई बहुत ज़्यादा फंक्शन है, पर लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और जिसको नहीं पता था वो तो ज़रूर कमेंट करना। तो भाई बने रहिए हमारे चैनल पे ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए। थैंक यू भाई।